हो रहा है, मैंने सॉल्व करके छोड़ दिया क्वेश्चन, मैंने कहा आंसर सही आ गया खत्म बात। मार्क्स शायद 2 नंबर मिल रहे हैं उस क्वेश्चन में मेरे को 5 में से। फिर पता चला कि वो नीचे आईसीए ने स्टडी मैट में जो अपना कंटेंट दे रखा है, अपनी जो टिप्पणी दे रखी है, वो भी लिखनी होती है और मार्क्स ही उसी के होता है। तो इतनी आईसीए से इज्जत मिलना ना बहुत बड़ी बात हुई। धरती पे बैठे बैठे जिन्होंने ले ली है फीलिंग ऑफ हेवन, धरती पे बैठे बैठे जिन्होंने ले ली है फीलिंग ऑफ हेवन, लाके सीए फाइनल में AIR 37, पूरे जयपुर को इन्होंने बना लिया है अपना फैन। आज है मेरे साथ मेरे बहुत ही चहीते स्टूडेंट श्रेयांश जैन। तो श्रेयांश वेलकम है आपका ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हाउ इज इट फीलिंग आफ्टर क्लियरिंग द सीए एग्जाम्स? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा एक ड्रीम कंप्लीट हो गया और विद AIR तो मतलब हवा में उड़ने वाली फीलिंग आ रही है। चलो ऑसम 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 श्रेयांश, एंड आई थिंक हमारी जो आज ये सेशन रहेगा उससे बच्चों को काफी कुछ गाइडेंस मिलेगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा दैट हाउ दे कैन स्केल अप देयर प्रिपरेशन एंड क्या मोटिवेशन रहनी चाहिए सीए एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो श्रेयांश सबसे पहले तो ये बताओ, क्या आप हमेशा से ही एकदम ऐसे स्टूडियस थे, रैंक वाले बच्चे थे, या फिर सीए फाइनल में पहली बार रैंक आई? हाउ हैज बीन योर जर्नी इन दिस सीए एग्जाम्स? 10th क्लास तक सर बहुत ही शैतान बच्चा था, पढ़ाई में कहीं कोई ध्यान नहीं था और अपनी दुनिया में मस्त था। देन 11th में एक इंसिडेंट हुआ, थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। एक इंसिडेंट, वही क्रश वाला सीन। देन 12th में स्कूल टॉप करी, फाउंडेशन में रैंक लाया 35th। इंटर में नहीं आ पाई रैंक ड्यू टू ऑडिट ओनली। फिर फाइनल में आपसे क्लासेस ली, मतलब मेरा थ्योरी हमेशा एक वीक रहा है, ऑडिट और SCMP में काफी दिक्कत थी, इश्यूज थे, तो ऑडिट आपसे ली, SCMP खुद प्रिपेयर करा, किसी टीचर अदर फैकल्टी की हेल्प ली, देन अगेन गॉट एन AIR एंड फाइनल। तो ऑसम श्रेयांश, मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं आपने बोला फाउंडेशन में आपके पास रैंक थी, इंटर में ऑडिट ने रोक दिया, ठीक है, कितने आए थे इंटर में ऑडिट में? सर 41, मतलब जस्ट पास था, 41 41 मार्क्स थे, 41 मार्क्स थे। तो कहीं ना कहीं आपको वो यस रेड सर, फ्लैग दिखा कि यार नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यस इसको सर, आपको थोड़ा इम्प्रूव करके चलना चाहिए। एंड यस सर, फाइनल में कितने मार्क्स आए ऑडिट में? सर 63 मार्क्स थे फाइनल में। मतलब इंटर में ऐसा था कि 6 सब्जेक्ट में एग्जम्पशन हैं, अकाउंट 2 सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स हैं और केवल एक ऑडिट है जिसमें आप 41 ला रहे हो और 20-30 नंबर से उसमें रह गए। अगर उसमें एग्जम्पशन आ जाती तो वहां भी AIR आ जाती। तो काफी रिग्रेट हुआ इस बात पे कि है ना, उस टाइम एक अच्छी फैकल्टी से क्लास ले लेते तो सही रहता। देन मैंने फाइनल में किसी दूसरी फैकल्टी से क्लास ली थी स्टार्टिंग में, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो इन जून आई डिसाइडेड टू गो विद योर क्लासेस, आपका बैच स्टार्ट हुआ था जून में, तो सर मैंने 5th जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट करी। और मैं कह सकता हूँ कि एक 1st नवंबर और 2nd नवंबर का दिन ऐसा था जिस दिन मैंने ऑडिट नहीं पढ़ी होगी, वरना 5th जून से लेके 3rd अपना ऑडिट का पेपर था 5th नवंबर को। केवल 2 दिन बीच में ऐसे थे 1st नवंबर और 2nd नवंबर जिस दिन मैंने ऑडिट नहीं पढ़ी होगी, बाकी हर दिन मैंने ऑडिट पढ़ी है 6 महीने। इवन 31 अक्टूबर को जिस दिन मेरा नेक्स्ट डे मेरा FR का पेपर है 1st नवंबर, उस दिन भी मैं 2 घंटे ऑडिट पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ वो 2 घंटे कंसिस्टेंट थे 6 महीने। एंड आपकी जो टेक्निक्स थी, आपने जो दी थी निमोनिक्स दिए थे, स्टोरीज इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज जो हम पे काम आई फॉरेंसिक ऑडिट और उसमें डिफरेंस की, तो वो हर जगह जैसे पेपर जगह हर चीज स्ट्राइक हो रही थी, आपने जो जो बताया तो काफी हेल्प करी सर उसने। ऑसम श्रेयांश ऑसम, एंड आई थिंक मैं यही हमेशा बोलने की कोशिश भी करता हूँ कि यार ऑडिट को निग्लेक्ट मत करो, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ सीए पास स्टूडेंट एंड अ सीए रैंकर। मैं तो इसको इस नजरिए से देखता हूँ, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री। आप इसके जीते जागता एग्जाम्पल हो। मेरे साथ भी, मेरे को यही लगता है मेरी अगर रैंक आई है इंटर और फाइनल में, हमेशा इसी वजह से आई क्योंकि मेरी ऑडिट में एग्जेम्पशन आती रही, तो वो जो स्ट्राइक रेट है वो काफी हेल्पफुल रहता है। एंड एक बात और बताओ श्रेयांश, जैसे कि आपने अपनी आर्टिकलशिप करी, ठीक है, यस सर, उसके साथ साथ आपने अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, कैसे किया था? हाँ सर, मेरा बिल्कुल कंसिस्टेंट था। मतलब जिस दिन इंटर का रिजल्ट आया था उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि फाइनल में तो लेके आनी है रैंक, तो सर कंसिस्टेंसी थी। मतलब ऐसा भी दिन हुआ है जब मैंने 19 आवर्स ऑफिस में वर्क कराया है, देन मैं घर आया हूँ, 5 5 आवर्स थे मेरे पास, देन अगेन 5 आवर्स के बाद ऑफिस जाना था। उस दिन भी ये नहीं कि सोने में निकाल दिए 5 घंटे, मतलब एटलीस्ट 15 मिनट्स मैं बुक्स के सामने बैठा हूँ, चाहे मेरे दिमाग में कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है, डजंट मैटर, बुक्स के सामने बैठना है पूरे 3 साल। मतलब मेरे को याद नहीं है ऐसे मुश्किल से 15 दिन में गया हूँ जब मैंने पढ़ाई नहीं करी हो, मतलब बुक्स के सामने नहीं बैठा हूँ, रेगुलर क्लासेस लेना। और मेरी क्लासेस अराउंड फेब में कंप्लीट हो गई थी, फेब 2022 में, एंड देन फ्रॉम मार्च आई स्टार्ट माई सेल्फ स्टडीज। क्या बात है। तो श्रेयांश, लोग बोलते नहीं थे कैसा
किताबी कीड़ा बच्चा है क्या, बेवकूफ बच्चा है, पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान देता है, ये घूमता फिरता नहीं है, इसकी तो लाइफ बड़ी बोरिंग है। तो ऐसे ऐसा कोई कुछ कोई कुछ दोस्त वोस्त बोलते नहीं थे तुमको? सर बहुत लोग बोलते थे, और मेरा जो ग्रुप है ना स्पेशली वो नॉन सीए है, सब लोग 9-10 लोगों का जो मेरा ग्रुप है सारे, तो वो सर हर इंसान घूम रहा है, हर इंसान मस्ती कर रहा है। लास्ट के 6 महीने में काफी दिक्कत आई कि आप तो घर पे बैठे हो, आपका तो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वाला। उससे हार्ड लॉकडाउन सर ये वाला था, क्योंकि कोरोना वाले लॉकडाउन में क्या हर एक इंसान घर पे बैठा है, हर एक इंसान की सेम फेस पे है, पर ये जो 6 महीने आता था उसमें केवल मैं घर पे बैठा हूँ, बाकी पूरी दुनिया घूम रही है। तो वो काफी हार्ड था, हर इंसान घूम रहा है भाई आज आज पार्टी है, आज मेरा बर्थडे है, आज वो है, तो उससे डील करना काफी हार्ड रहता है। बट सर वही है कि एक आप अपने मन को जब तक नहीं मनाओगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है, मन को मना लो, रिजल्ट अपने आप मान जाएगा, आईसीआई भी मान जाएगी और फिर तुम्हारी रैंक भी आ जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक बात और बताओ, क्लासेस के साथ साथ क्या पढ़ना चाहिए क्या? मतलब या मतलब दो दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, या तो मैं क्लास चला के छोड़ दूं, ठीक है, एंड मैं अपने फोन पे लगा हुआ हूँ, मैं अपना इधर उधर देख रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे, ठीक है, टीचर बोलता जा रहा है, मैं सुनता जा रहा हूँ, चलती जा रही बातें। दूसरा है कि क्लास में जो टीचर लिखवा रहा है मुझे साथ साथ लिखना चाहिए, जो टीचर ने नोट्स बनवाए मुझे नोट्स बनाने चाहिए, जो टीचर क्वेश्चन करा रहे सॉल्व करना चाहिए, अगर टीचर ने कल को खुदा ना खास्ता होमवर्क देने की जरूरत कर दी तो मुझे वो होमवर्क भी करना चाहिए। सो डिड यू विच अप्रोच डिड यू फॉलो? सर मेरा ये रहता था कि मैं मॉर्निंग में क्लास लेता था, एंड इवनिंग में मेरा ये रहता था कि जो टीचर ने पढ़ाया है ना एटलीस्ट वो कर लूं, और होमवर्क दिया तो वो कर लूं। एडवांस मैंने कभी नहीं पढ़ा, जैसे टीचर्स बोलते हैं क्लास में कि आप कल मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप ये पढ़ के आना, उतना नहीं हो पाता है टू बी वेरी फ्रेंक। बट ये है कि जो उन्होंने मॉर्निंग में पढ़ाया है ना क्लास में, वो मैं रिवाइज कर लूँ एक बार, और होमवर्क जो दिया वो कंप्लीट कर लूँ। सर मतलब अगर आप ये करते हो ना तो वो मोर देन सफिशियंट तो नहीं बट सफिशियंट है आपके लिए, एग्जैक्टली और इतना तो करना चाहिए, वरना क्लास लेना कोई बेनिफिट नहीं रहता है फिर एट दी एंड, अगर आप ये भी नहीं करके जा रहे हो। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। यस नाउ सर टॉकिंग अबाउट योर 5 मंथ्स या 6 मंथ्स, जो भी आपके पास अच्छा खासा टाइम था, इसमें आपकी यस स्ट्रेटेजी क्या थी कि मतलब मैं सारे सब्जेक्ट्स को कैसे करूंगा, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट, एक टाइम पे दो सब्जेक्ट, हाउ मेनी रिविजन्स, इसके हाँ बारे में थोड़ा बताओ जल्दी से। सर, मैंने 5 रिविजन प्लान करे थे, और 6 जो सब्जेक्ट्स थे मेरे उनके मैंने 5 रिवीजन करे, और ऑडिट और एसटीएमबी की मैंने अनकाउंटेबल रिवीजन करे, मतलब मेरे को नहीं पता मैंने कितने करे, मैं गिन नहीं सकता उन रिवीजन्स को। एंड स्ट्रेटेजी रहती थी कि सर मैं 2 सब्जेक्ट उठाता था एक टाइम में, एंड दोनों मिक्स चलते थे, मॉर्निंग में एक देन इवनिंग में एक, एंड जैसे 10 दिन का स्लॉट ले लिया, देन 7 डेज का, देन 5 डेज का, देन 3 डेज का स्लॉट, तो ऐसे करके बीच में एक मॉक टेस्ट सीरीज दी थी, और इस तरह से रहा था। तो मॉक टेस्ट सीरीज जो आपने दी, कोई थर्ड पार्टी मॉक टेस्ट थे, आईसीआई के मॉक यस टेस्ट? सर, थर्ड पार्टी मॉक थर्ड टेस्ट। पार्टी मॉक टेस्ट थे, तो यस कहीं ना सर, कहीं मॉक टेस्ट देके कुछ फायदा मिला आपको? सब बहुत बेनिफिट मिला। मैंने जैसे मेरे को एसएफएम में काफी कॉन्फिडेंस था, बट जब मैंने मॉक टेस्ट सीरीज दी तो मेरे आई गॉट 44 मार्क्स इन एसएफएम, एंड जिस टीचर्स की बुक से मैं पढ़ रहा था ना उनसे जब मैंने कंपेयर करा, मेरे मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं, पर जब मैं आईसीआई से कंपेयर कर रहा हूँ तो मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे हैं पर वो प्रेजेंटेशन गलत है पूरा। तो देन आई स्विच टू आईसीआई मॉड्यूल इन एसएफएम, देन आई गॉट गुड मार्क्स इन फाइनल एग्जाम, देन अगेन इन केस ऑफ सर 6D जो पेपर होता है इकोनॉमिक लॉ मेरे पास वो था, तो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे साथ बच्चों ने मार्क्स दिए मतलब उनके 99 99 मार्क्स आ रहे हैं सब्जेक्ट में, मेरे आए 64 मार्क्स, क्योंकि मैं केवल एक जो आईसीआई का केस स्टडी वो लेके गया था, पर पास किया क्वेश्चन पेपर नहीं लेके गया था। देन आई गॉट टू नो कि वो भी लेके जाने होते हैं 6D में, आप जितना मटेरियल ले जा सकते हो उतना मटेरियल लेके जाओ। सेम इन केस ऑफ एससीएमपी, जब मैंने उसका पेपर दिया तो जैसे 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें मैंने 4-5 लाइन में वो सॉल्व हो रहा है, मैंने सॉल्व करके छोड़ दिया क्वेश्चन, मैंने कहा आंसर सही आ गया खत्म बात, मार्क्स आए 2 नंबर मिल रहे हैं उस क्वेश्चन में मेरे को 5 में से। फिर पता चला कि वो नीचे आईसीआई ने स्टडी मेट में जो अपना कंटेंट दे रखा है, अपनी जो टिप्पणी दे रखी है वो भी लिखनी होती है, और मार्क्स ही उसी के होता है, तो वो वहां से पता चला। उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नीचे जो पार्ट होता है ना थ्योरी, वो पढ़नी स्टार्ट करी, उसको समझने लगा कि कैसे पढ़ना है, एंड आई गॉट सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन एससीएमपी, दैट इज 69 मार्क्स, जो कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं करे थे कि एक थ्योरी सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आ सकते हैं So मेरे। you secured 69 marks in November 22 exams. यस सर, इन एससीएमपी। Awesome man! जहां लोग 40 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप 69 मार्क्स लेके आते हो, यार क्या यस फीलिंग आई सर, होगी ना उस टाइम पे, सारा हार्ड वर्क पे ऑफ कर गया, क्या बिल्कुल सर, मतलब मेरे एफआर में 85 मार्क्स थे, 6D में 87 मार्क्स थे, उसको देख के इतनी खुशी नहीं हुई जितनी देख के 69 मार्क्स और 63 ऑडिट में देख के जितनी खुशी हुई ना, उन दो में मतलब बेस्ट फीलिंग मतलब ए आर आना सफल देख के।
राइट 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 ग्रेट यार, ऑसम। एंड मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व, मतलब जैसे सबसे रिव्यू सुने कि SCMP का पेपर बहुत लेंथी था, FR का पेपर बहुत लेंथी था। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप टाइम प्लानिंग सही से करो ना तो कुछ भी लेंथी नहीं है। आई कम्प्लीटेड एवरी क्वेश्चन पेपर इन मैक्स 2.5 आवर्स एंड आई अटेम्प्टेड ऑल द 6 क्वेश्चन इन ऑल द 7 एग्जाम्स एक्सेप्ट 6 GPA वाला पेपर, क्योंकि वो बहुत लेंथी होता है, उसको उतना कर लो जितना होता है, उसमें हाथ की बैंड बच जाती है। बाकी उसको छोड़ के मैंने सारे सब्जेक्ट्स में सारे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। और बेस्ट ऑफ तो 5 लगते हैं ना इसमें? यस सर, बेस्ट ऑफ 5 लगता है बिल्कुल। मेरे साथ SFM में ऐसा हुआ है कि मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मेरे ज्यादा मार्क्स थे इंस्टेड ऑफ प्रीवियस वन, तो मेरा बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेट हुआ है उसमें। क्या बात है, क्या बात है श्रेयांश। एक रिक्वेस्ट है, जितनी आपकी यस सर, आंसर शीट्स हैं आप एक बार शेयर करना चाहोगे बच्चों के साथ, कैन वी शेयर द लिंक्स विद यस ऑल? श्योर श्योर ठीक श्योर है, सर, तो श्रेयांश की जितनी भी आंसर शीट्स है उनका जो लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, वहां पे आपको श्रेयांश की सारी जितनी भी आंसर शीट्स है उनका लिंक, और या फिर आप उनका कह सकते हैं PDF, वी विल प्रोवाइड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऑसम श्रेयांश। यार एक बात बताओ, रैंक क्यों लेके आनी है? मुझे मजा आता है कि मैं वो भीड़ का हिस्सा बनूं, मेरे को जाना ही नहीं वो टॉप 50 में। क्या होता है टॉप 50 का, कोई एडिशनल बेनिफिट है क्या? मैंने सुना सर आजकल सबसे ICI MBA वाला कुछ प्रोग्राम कराते हैं इनके लिए। यस सर, यस सर सर MDB प्रोग्राम बेस्ट सर, मतलब रैंक लाने का फील ही वहां पर जाके आता है। आपको आपको जो प्रिविलेज मिलती है ना, मतलब ICI के ऑफिशियल्स आ रहे हैं आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमारा फेस हो, आप ICI का फेस हो, तो इतनी ICI से इज्जत मिलना ना बहुत बड़ी बात हुई। तो वो है, आप एक कॉलेज लाइफ जी रहे हो 10 दिन के लिए, सही मतलब एक CA स्टूडेंट के लिए कॉलेज लाइफ ना बिल्कुल नेग्लेक्ट होती है, उसको कॉलेज का कोई टच नहीं मिलता है। तो एक वहां पे जाके जो आपको कॉलेज का टच मिलता है ना, दैट वाज बेस्ट। मैं अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ MDB प्रोग्राम कंप्लीट करके, मैं सर अकेला अकेला सा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। वहां पे इतना बढ़िया ग्रुप बन गया था, रात को 2-2 बजे तक मस्ती कर रहे हैं, इतनी क्लास सेशंस ले रहे हैं इतने अच्छे अच्छे तो बिल्कुल कॉलेज वाला जो फील है ना, एक वो लेके आए हैं, तो इस तो बार वो एक आई मोटिवेशन है हाँ इंसान के लिए कि आप AI लेके आओ। राइट इस बार ICI ने कहाँ पे यस सर, कराया था मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम? सर रायपुर में था, आई रायपुर एम में था। रायपुर। एंड ये जो जगह होती है, जो कैंपस होता है, ये होता भी आई थिंक काफी कंफर्टिंग है ना, इसे थोड़ा लगता है ना जंगल हाँ तुम हो, एकदम बिल्कुल वातावरण बिल्कुल नेचर नेचर से बिल्कुल, सराउंडेड, तो अच्छी फील आती है। राइट एंड एक हाँ बात और बिल्कुल बताओ, कहीं ना कहीं MDP जाके आपको ऐसा लगा कि यार मतलब मैं थोड़ा सा ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं MDP गया ना, मेरे को मैं ना बड़ा सातवें आसमान में था भाई, रैंक यस आई है, सर, मेरे भाई ने फोड़ा है, मजा आ गया है। ठीक है, अब तो मैं ही मैं हूँ, मेरे मतलब हम है, बाकी सारे पानी कम है। ठीक है, ऐसी फीलिंग आ जाती है एक बार जब रैंक आ जाती है। यस सर बिल्कुल आती और फिर जब मैं MDP पहुंचा ना, मेरे को लगता था आई विल बी द ओनली है। कूल रैंकर, बट जब मैं आसपास देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सारे एक से बढ़कर एक शाणे हैं, कोई किसी से कमी, मतलब सारे तुमसे, मतलब मैं सबके सामने अपने आप को 18-19 ही समझ रहा था, सारे 20-21 हैं। तो उस टाइम पे जो फीलिंग आती है ना कि यार क्या क्वालिटी ऑफ पीपल है हमारे CA कोर्स में, एंड कितना हम और सीख सकते हैं, तो आपको ऐसी फीलिंग आई क्या कहीं ना कहीं? यस सर बिल्कुल ऐसी फीलिंग भी है, और मैं एक इंसिडेंट भी शेयर करना चाहूंगा इस रिगार्डिंग कि हाँ मेरा एक मतलब इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें मेरे को एक केस स्टडी सॉल्व करके देनी थी। तो वहीं पे एक दूसरे रैंकर की भी थी, तो मैंने उससे बोला कि मैंने एक बार दिखाना तूने क्या कैसे बनाया। सर वो देख के ऐसा लगा, मैंने कहा मैं ये है ना अगले 10 साल में भी नहीं बना पाऊंगा, इतनी शानदार उसने बना के दिया है। मैं तो भाई मेरी रैंक ले लो, मेरे को नहीं चाहिए रैंक। उसकी केस स्टडी देख के सर ऐसा लगा, मतलब बहुत हाई लेवल हाई प्रोफाइल पीपल आते हैं वहां पे, उनका इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा हाई होता है, आपसे लोअर भी बहुत लोग आते हैं, आपसे हायर भी बहुत लोग आते हैं, पर जब आप उन हायर वाले से कंपेयर करोगे ना, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलता है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। यस भाई, वो हम्बल फीलिंग आ जाती है, मुझे तो बहुत ज्यादा आ गई थी। हाँ मैंने कहा यार रैंक मेरी आई है क्या, मतलब ये लग एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहे हैं, डाउट होने लग जाता है, बोले सर डाउट। मेरी भी रैंक आई है क्या? एग्रीड 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 एग्रीड। बाकी श्रेयांश आप एक बात बताओ मुझे, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं बच्चे अपना यू कैन से सब लोग घूम फिर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को, बट अभी जैसे अगर आप देखोगे ना, हमारे पास आज हम 14th February के हैं, ठीक है, वैलेंटाइंस डे का यस माहौल सर, है, सब लोग अपने कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट कर रहे होंगे, दे विल बी मतलब एंजॉयिंग दीज फील्ड्स एंड ऑल। कहीं ना कहीं आप अगर बोलो 3 महीने रह गए हैं, एंड ये जो आखिरी यस तीन सर, महीने होते हैं ना, इसमें रोज ऐसा लगता है यार अभी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा था, जैसे ही दूसरे सब्जेक्ट पे ट्रांजिशन करता हूँ मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है एक दिन का ब्रेक ले ले, 2 दिन का ब्रेक ले ले। तो उस टाइम पे आप अपने मन को मना कैसे रहे थे, वो जानना है यार बड़ा।
सर मतलब मोटिवेशन ना, मैं मेरा ही मानना है कि आप किसी की वीडियो देख के या किसी इंसान से बात करके ना मोटिवेट हो तो जाओगे, पर वो मोटिवेशन है 2 दिन चल जाएगा, 5 दिन चल जाएगा, 7 दिन चल जाएगा, मैक्स टू मैक्स। एक सर एक इनर मोटिवेशन होता है कि आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम है ना, आप उनको एनालाइज करो और उसको रिलेट करो कि आप उनको ना कैसे सॉल्व कर सकते हो एक सीए बन के। तो उससे जो मोटिवेशन आता है ना सर, वो बेस्ट मोटिवेशन होता है, और वो आपको थ्रू आउट द आपकी जर्नी जो होती है 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की, उसमें वो आपको मोटिवेटेड रखता है। तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करो। और रही बात सर परेशान होने की, तो सर ब्रेक्स इज नेसेसरी। मतलब मैं लास्ट के 2 महीने छोड़ दो तो मैं हर वीक एक ब्रेक लेता लेता था, अपने दोस्तों के साथ घूम जाता था और मैं जाता था, और उसके बाद सर जो प्रोडक्टिविटी थी ना वो जरूर इंक्रीज होती थी मेरी। तो ब्रेक जरूरी है, अपन ह्यूमन बींग है, मशीन नहीं है, और मशीन को भी ब्रेक चाहिए होता है, तो ह्यूमन को तो बिल्कुल चाहिए चाहिए ब्रेक। ओके, तो ये है। तो ब्रेक किस सेंस में लेते थे आप? पूरा दिन का ब्रेक लेते थे नहीं एक? सर मतलब इवनिंग में, जैसे मैं संडे का रहता था मेरा, तो इवनिंग में मैं 6 o'clock तक पढ़ाई करता था, देन 6 बजे मैं दोस्तों के साथ घूमने चलता जाता था, आराम से 9 साढ़े 9 10 बजे तक आता था, देन आई टेक अ स्लीप एंड मॉर्निंग से देन अगेन मेरा स्टार्ट होता सो हाँ, मैं ना पता तभी ये पूछ रहा था, क्योंकि क्या इसके ना कि कहीं गलत फहमी ना चले जाए, बच्चों को पूरा पूरा दिन का ब्रेक ले से। नहीं, नहीं नहीं सर पूरे दिन के दिन का नहीं। टारगेट्स हैं वो तो आपने अचीव करने ही करने हैं। यस फिर सर, जो यस सर, आपके पास एडिशनल टाइम बच रहा है, जैसे संडे इवनिंग का टाइम है, तो दैट यू कैन स्पेंड विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड मेक श्योर कि जिनके साथ वो टाइम स्पेंड कर रहे हो वो पॉजिटिव लोग हैं। वो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आप लोग लोगों को हैं बिल्कुल। डीमोटिवेट करके भेज दे और फिर आप बड़े परेशान हुए हाँ वो नहीं नहीं सर होगा। बिल्कुल, जो आप सेट ऑफ पीपल रखते हैं ना वो बिल्कुल पॉजिटिव लोग होने चाहिए, और जो आपको मोटिवेट करें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। बहुत टाइम होता है सर, बहुत टाइम डीमोटिवेशन आता है, ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है लाइफ में। तो 2 3 लोग होने चाहिए लाइफ में जो आपको हमेशा पुश करें टू गो फॉरवर्ड। तो ये है, डेली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उससे काफी अच्छी फीलिंग आती है और स्ट्रेस रिलीज होता है। तो मैं आधा घंटा सर रेगुलरली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, इवन ऑन माय एग्जाम डेज आल्सो। तो Awesome. ये काफी बहुत बढ़िया श्रेयांश, बहुत बढ़िया यार। अब ना वहीं से स्टार्ट करते हैं, आई थिंक जहां से स्टार्ट किया था, ऑडिट की ही बात करते हैं। आपको क्या यस लगता है, मतलब ऑडिट में व्हेन यू चोज मी एज योर फैकल्टी, बिकॉज आपको भी पता था यार ये तो नया नया बंदा आया है, ठीक है, क्या पढ़ा, ऐसे ऐसे कभी सोचा तो होगा ही कभी ना कभी। तो सर हाउ यू हाँ चोज, हाउ यू मेड दैट डिसीजन ऑफ चूजिंग मी, एंड प्लस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यार ये जो ऑडिट की किताब है, ठीक है, आई थिंक आपके पास ये येलो कलर में होगी, इतनी यस सी सर, यस किताब सर में कहीं ना कहीं हमारा कवरेज हो जाएगा, कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ चीजें कवर्ड है, हाउ यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, एंड फिर उसको आपने कैसे आगे लेके गए वो थोड़ा बताओ, क्योंकि कई बच्चों के हाँ मन सर, में हैं। मैंने सर आपकी स्टार्टिंग में रिवीजन वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, जो आपने अपलोड कर रखी थी एनबीएफसी ऑडिट की, पीएससी ऑडिट की। तो सर उसमें जो आपकी टेक्निक थी ना लर्न करवाने की, वो सर एक बार में लर्न हो रही थी हर चीज, और वो रिकॉल भी हो रही थी मेरे को। तो वहां से मेरे को कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जिन टीचर से मैंने क्लास ली थी ना पहले, उन्होंने तो केवल एक प्लेन रीडिंग लगवा दी थी, और उनका मटेरियल भी काफी काफी कॉम्प्रिहेंसिव था, मतलब हर इरेलीवेंट चीज भी कवर्ड है थी। तो जो जब मेरे से रेलिवेंट चीज ही नहीं हो रही, तो मैं इरेलीवेंट को कैसे सोच सकता हूँ करने की। तो आपकी बुक में सर आई डोंट नो पूरा कवर है या नहीं है, पर इतना कवर है कि इंसान उसको पढ़ के ना एग्जम्पशन तो एटलीस्ट स्कोर कर ही सकता है। और आप जब सीए में फील्ड में हो, तो आप किसी सब्जेक्ट में 100% तो पढ़ के नहीं जा सकते। अगर आप 100% पढ़ने जाओगे ना, तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो भी छूट जाएगी, और नॉन इम्पोर्टेंट तो वैसे भी उसको पढ़ के क्या ही फायदा है। तो एग्री, आपको प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ेगा टॉपिक्स में, आप हमेशा 100% कोर्स तो नहीं कर सकते, व्हाट आई फील। ग्रेट। और दूसरी बात बस मुझे ये बताना, क्लासेस के बाद व्हाट वाज योर अप्रोच, मतलब आपने कितनी कितने हद तक रिवीजन वीडियोस को रेफर किया, कितना आपने सेल्फ रिवाइज किया, प्लस हाउ डिड यू अप्रोच दीज नोट्स आफ्टर इट, तो वो थोड़ा आई थिंक बच्चों को गाइड करें। सर मेरा डेली का फिक्स था कि 2 घंटे ऑडिट को देने ही देना है, और वो 2 घंटे मैं एनी हाउ कहीं ना कहीं से निकाल के ऑडिट को देता ही देता था। मैंने आप ही के नोट्स रेफर करे हैं और क्वेश्चन बैंक रेफर करा है, मैंने आईसीए की बुक खोली भी नहीं थी ऑडिट के अंदर, और ये मेरा ऑडिट का नहीं, एंड एंड था। प्रिपरेशन जो देन थी, मैंने हाँ रिवीजन जो थी, वो रिवीजन आपने कितना टाइम सेल्फ रिवाइज किया, कितना टाइम आपने रिवीजन वीडियोस को दिया, मतलब व्हाट सर व्हाट वेटेज? हाँ क्लास पूरी कंप्लीट होने के बाद, मतलब हार्डली मेरे को एक आध बार जरूरत पड़ी थी एक दो टॉपिक्स के रिवीजन वीडियो देखने की, बाकी मेरे को कोई नहीं। क्योंकि मैंने सर एक एक जो वर्ड आपने बोला ना, वो सर मेरी बुक में एज इट इज लिखा हुआ है, एक एक स्टोरी, एक एक निमोनिक, एक एक शब्द जो आप बोलते थे ना क्लास में, हर चीज लिख लेता था, पूरा
पूरी बुक भरी हुई है, मतलब एक बार प्रिंट दिखाओगे, एरिया एक बार से दिखाओगे, एक बार मैं चाहता हूँ थोड़े से ना बच्चों को एक बार रेफरेंस मिले, इफ पॉसिबल एक बार देखना मिल जाए तो। सर मतलब वो अभी रखी हुई है तो मैं अभी तो नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे पास नहीं है यहाँ पर। अच्छा मैंने चलो एक ऐसा करेंगे ना, आप ना मेरे को ना इस सेशन के बाद ना शेयर करना उसके 3-4 पिक्चर्स, श्योर, ऐसा करेंगे ना इस वीडियो के ना मिड रोल में ना डालेंगे, सो दैट हाँ हाँ स्टूडेंट्स को एक बिल्कुल, गाइडेंस मिले कि हाउ दे नीड टू स्टे अटेंटिव एंड एक्टिव विद द क्लास, ताकि यस उनको सर, पूरा बेनिफिट मिल सके। लास्ट वर्ड श्योर फ्रॉम श्योर। श्रेयांश जैन, क्या कहना चाहोगे आप उन बच्चों के लिए जो आज की डेट में सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए सीए पहली बात तो आपके हिसाब से, और आपने क्या सोच के सीए किया ये भी थोड़ा सा बताओ बच्चों को, एंड या व्हाट वुड बी योर लास्ट पीस ऑफ एडवाइस। सर क्या सोच के सीए का, तो सर कभी ऐसा था नहीं सीए करने का बट बीकॉम करने से अच्छा सीए करना लगा तो लास्ट ऑटो रिजॉर्ट जो होता है ना वो एक सीए था। तो आया था सर मेरा ये कि मतलब जब भी कोई चीज करता हूँ ना तो पूरे डेडिकेशन के साथ करो, तभी आप उसमें फ्रूटफुल, वरना आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, अपनी मनी भी वेस्ट कर रहे हो और आपको कुछ रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। तो जब सीए में आ गए तो ये था कि आप इसमें आए हैं तो अच्छे से करके ही निकलना है इसको, ये नहीं कि इसको लाइटली ले रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, अटेम्प्ट लगवा रहे हैं। तो पूरे डेडिकेशन के साथ करा, और जो बच्चा भी सीए कर रहे हैं तो सर डेफिनेटली बहुत स्कोप है इस कोर्स के अंदर, बहुत रेस्पेक्ट मिलती है आपको। आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना सर, मैं ये नहीं बोलता कि 100% सब प्रॉब्लम इस कोर्स ये कोर्स सोल्व कर देगा, पर 99% प्रॉब्लम्स से ये कोर्स सॉल्व कर ही देगा आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है। तो दैट्स आई वांट टू कन्वे। तो ऑसम श्रेयांश, थैंक्स अलॉट फॉर ऑल द लर्निंग्स एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आई थिंक श्रेयांश ने बिल्कुल सही दिए, जैसे डिटॉल और लाइफ बॉय 99.99% कीटाणु दूर भगा देते हैं, ऐसी सीए कोर्स यस आपकी सर, जिंदगी की 99.99% प्रॉब्लम्स दूर भगा देगा, एंड बाकी जो 0.00000001% कोई प्रॉब्लम रह जाए उसको भी आप एकदम खुशी के साथ डील कर सकते हैं। लास्ट में वही कहूंगा जो मैं यस सर, हमेशा तभी कहता हूँ, खुशी से पढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे। Awesome. So everyone, all the best and thanks, Shreyansh, for your time. Have a great day. थैंक यू Ta-ta. सर। Bye-bye.